हाय एवरीवन, ये ब्लू कलर की साड़ी है जिससे मैं अनारकली ड्रेस बनाने जा रही हूँ। इसका फ्रंट मैं वी शेप में बनाऊँगी जिसमें मैं गोटा लगाऊँगी। पहले लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद में मैं मेन फैब्रिक की कटिंग उससे कर लूँ। पीछे के गले को मैं गोल रखूँगी और आगे के गले को मैं डीप वी शेप में रखूँगी। मैंने आगे के गले की लंबाई लगभग 12 से 13 इंच रखी है। इस तरह से मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। अब मैं मेन फैब्रिक को इसमें अटैच कर दूँगी, उल्टा करके अटैच करूँगी। मैंने ये जो लाइन बनाई है इस पर मैं अटैच कर लूँगी और इसको टर्न कर लूँगी और मेरा गला बनकर रेडी हो जाएगा। इस तरह से मैं गोल गले को भी रेडी कर लूँगी पीछे के। अब मैं इसमें गोटा लगाऊंगी और मैं इसमें एक साइड सिलाई मारूंगी केवल, और गोटे के दूसरी तरफ मैं बाद में इसमें फ्रिल लगाऊंगी जब सिलाई करूंगी। इस तरह से मैंने दोनों तरफ मैंने गोटा लगा लिया है। अब मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग को आपस में अटैच कर लूँगी और गोल गले को अपना सिल लूँगी। अब मैंने ये कपड़ा लिया है जो मैंने लॉन्ग वी शेप गला काटा था, उस पर मैं उसके पीछे मैं अटैच करूँगी। आपको जितना भी गला लंबा रखना है उतना कम कपड़ा आप लगाइए उसमें। मुझे मैं लगभग 5.5 से 6 इंच में रखूँगी, इसलिए मैं इतना मैंने कपड़ा उसमें अटैच किया है। और उसके बाद इस तरह से एक साइड से इसको सिल देंगे। पीछे ये मेरा ज़्यादा कपड़ा है इसलिए मैं इसको कट करके अलग करके इसको आपस में अटैच कर दूँगी। डबल फोल्डेड कपड़ा है ना, इसको मैं आपस में सिलाई मार दूँगी इस तरह से, और एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने निकाल दिया है। इस तरह से मेरा गला रेडी हो जाएगा। और अब मैं इसके आगे की तरफ फ्रिल लगाऊँगी। इस तरह से मैंने इसमें साइड से फ्रिल अटैच कर दिया है और फिर इस सिलाई को छुपाने के लिए उस पर गोटा में साइड गोटा में उसके ऊपर लगा दूंगी जिससे कि सिलाई हाइड हो जाएगी। अब मैं गोटा फ्रिल के ऊपर अटैच कर दूंगी और इसी तरह से मैं दूसरी तरफ भी फ्रिल और गोटा अटैच कर दूंगी। ये वीडियो मैंने केवल अपर पार्ट की बनाई है, आप लोग कहेंगे तो मैं इसके फुल वीडियो डाल दूंगी। अब मैं दोनों पार्ट को आपस में अटैच करके और इसमें मैं पूरा कमर का भी पार्ट गली का जोड़ करके और उसके बाद मैं इसमें गोटा अटैच करूँगी। थोड़ा सा हिस्सा खोल करके दोनों तरफ से गोटा मैं अटैच करूँगी जहाँ पे मुझे जॉइंट है ना मेरा कलियों का और ऊपर अपर पार्ट का, वहाँ पे मैं गोटा अटैच करूँगी और सिलाई मारूँगी। सावधानी पूर्वक करनी होगी क्योंकि मैंने अब पूरा सिलाई कर दी है, इसलिए मैं इसको ऐसे अटैच करके और मेरा ये रेडी हो जाएगा। इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और ये जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा।